center of mass, linear momentum and collision curve numerical 22. A block at rest explodes into three equal parts. Two parts starts moving along x and y axis respectively with equal speeds of 10 meter per second. Find the initial velocity of the third part. तो यहाँ पे एक पार्टिकल दिया हुआ है और इस पार्टिकल का इस ब्लॉक एक्सप्लोड हो रहा है. तो एक्सप्लोड हो रहा है मतलब उसके अंदर ये बॉम्ब होगा या कोई जो पार्टिकल होगा उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी या कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी. तो जो कुछ भी है उसकी इंटरनल एनर्जी के कारण वो एक्सप्लोड हो रहा है, मतलब बाहर से कोई फोर्स वहां पे नहीं लग रहा है. का मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स वहां पे नहीं लग रहा है क्योंकि वो एक्सप्लोड हो रहा है, वो इंटरनल एनर्जी के कारण एक्सप्लोर हो रहा है. तो इस केस में सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा, या हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड. यहाँ पे मोमेंटम इज कंजर्व्ड मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो होगा वो सेम ही रहेगा. अब इनिशियल मोमेंटम मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल का मास इनटू ये पार्टिकल की वेलोसिटी, वो तो जीरो है. और फाइनल मोमेंटम में क्या हो रहा है कि उसके तीन पार्ट्स में वो एक्सप्लोर हो गए. तो एक पार्ट बोला है हमें कि वो एक अलोंग वाई एक्सिस जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और दूसरा पार्टिकल जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से अलोंग एक्स एक्सिस. तो थर्ड पार्टिकल को किस डायरेक्शन में और कौन से वेलोसिटी से जाना है. तो फाइनल मोमेंटम मतलब इसका मास अगर हमने मान लिया एम वन और इसका मास मान लिया एम टू, तो फाइनल और इस थर्ड पार्टिकल जो कि होगा उसका एम थ्री. तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस सभी तीसरा पार्टिकल जो है उसकी भी. और हमें यहाँ पे जो तीन पार्टिकल्स हो गए, तीनों पार्टिकल का मास सेम ही होगा. मतलब ये एम ए एम और ए एम, यहाँ पे एम कॉमन ले लिया हमने, एम कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके वो डिवाइड होगा और जीरो होगा. मतलब यहाँ पे हमें जो थर्ड पार्टिकल फाइंड करना है, इस सबकी एडिशन, तीनों वेलोसिटी की एडिशन जीरो आनी चाहिए. अब दो पार्टिकल की वेलोसिटी तो हमें दी है, वी वन और ए वी टू मान लेते हैं इसे, वी वन और ए वी टू. तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा, तो थर्ड पार्टिकल ये थर्ड वेलोसिटी वो कितनी होनी चाहिए, वी थ्री कितनी होनी चाहिए, ये वी वन प्लस वी टू. अब वी थ्री को इस साइड में ले लिया हमने तो ये माइनस, मतलब इनकी जो वेलोसिटी होगी, ये वी थ्री कितनी होनी चाहिए, इनकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है तो अपोजिट डायरेक्शन में उसे जाना है. माइनस साइन बताता है कि ये जो वी वन बार और ये वी टू बार होगा उनके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में उसे जाना है, मैग्नीट्यूड ऐड करना है. तो देखो ये वेलोसिटी वी वन और ये वेलोसिटी वी टू, तो उनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, तो पहले और डायरेक्शन कौन सी होगी. तो डायरेक्शन के लिए तो हम फाइंड करते हैं टैन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स. यहाँ पे वेलोसिटी है तो वी वाई अपॉन वी एक्स. वी वाई कितना है, टैन इनवर्स. वी वाई कितना है, टेन, और वी एक्स टेन, तो टैन इनवर्स वन. तो ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसकी वैल्यू वन आती है, तो ओ थीटा होता है 45. वो थीटा होता है 45. मतलब ये दो वेलोसिटी जो होगी उनका रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो रिजल्टेंट होगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, मतलब थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल 45 बना रहा है. और ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं हम, वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस टू वी वन वी टू कॉस थीटा. दो वेलोसिटी के बीच में एंगल थीटा वो कितना होगा, 90. तो 90 कॉस 90 जीरो, तो ये इतना आ जाएगा. तो वी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू है 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 स्क्वायर, तो 10 और ये अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड. मतलब ये रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डिरेक्शन में वो आ रही 10 रूट